हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉइल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कैसे ह्यूज रॉक टूट करके सॉइल पार्टिकल्स बनता है। इस क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। सॉइल तीन कंपोनेंट का मिक्सचर है। पहला रॉक पार्टिकल्स, जिसको कि हम लोग सॉइल पार्टिकल्स भी कहते हैं। दूसरा ह्यूमस एंड तीसरा माइक्रोस्कोपिक लाइफ। सॉइल पार्टिकल्स कैसे बनता है ये तो हम लोग समझ चुके हैं, और ये सॉइल पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज फोर टाइप का होता है। सबसे बड़ा सॉइल पार्टिकल्स ग्रेवल कहलाता है, उससे छोटा सैंड कहलाता है, उससे छोटा सिल्ट कहलाता है, एंड सबसे छोटा सॉइल पार्टिकल क्ले कहलाता है। किसी मिट्टी में किस तरह का न्यूट्रिएंट पाया जाएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस मिट्टी का सॉइल पार्टिकल किस रॉक से बना है। मिट्टी में जो डार्क कलर का ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि डेड एंड डिके लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, उसको ह्यूमस कहते हैं। मतलब मरने के बाद जो प्लांट्स और एनिमल मिट्टी में सड़ जाता है, ह्यूमस बनाता है। ये ह्यूमस मिट्टी के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है, क्योंकि ह्यूमस मिट्टी को पोरस बनाता है, जिसकी वजह से वाटर एंड एयर मिट्टी में अंदर तक पहुंच पाते हैं। मिट्टी में माइक्रोस्कोपिक लाइफ भी पाया जाता है, एज फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा। मिट्टी में अर्थवर्म भी पाया जाता है, अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स मिट्टी को फर्टाइल बनाने में हेल्प करता है। किसी मिट्टी का क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड माइक्रोस्कोपिक लाइफ प्रेजेंट है। अगर ये ज्यादा होगा तो सॉइल ज्यादा फर्टाइल होगा, और अगर ये कम होगा तो सॉइल कम फर्टाइल होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं सॉइल पार्टिकल्स चार तरह का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड अमाउंट ऑफ ह्यूमस, सॉइल तीन तरह का होता है। पहला है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल सैंड पार्टिकल्स का बना होता है, और इसमें ह्यूमस नहीं के बराबर होता है। सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होता, इसमें पानी नहीं ठहरता है। सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल इज क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल सबसे छोटा सॉइल पार्टिकल क्ले से बना होता है, और इसमें ह्यूमस बहुत थोड़ा होता है। क्लेई सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होता है, इसमें बहुत दिनों तक पानी फंस के रहता है। थर्ड इज लूमी सॉइल। ये लूमी सॉइल क्ले, सिल्ट एंड सैंड पार्टिकल से बना होता है। इसमें ह्यूमस भी बहुत पाया जाता है, जिसकी वजह से ये एयर एंड वाटर को ट्रैप करता है। लूमी सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सॉइल होता है। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि हर तरह का प्लांट हर जगह नहीं उगता है। कहीं पे फार्मर सेब उगाता है, तो कहीं पे फार्मर मैंगो उगाता है। कौन सा प्लांट कहाँ पे उगेगा ये वहाँ के वेदर पे तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ वहाँ की मिट्टी पे भी डिपेंड करता है। मिट्टी का तीन फैक्टर डिसाइड करता है कि उस मिट्टी में कौन सा प्लांट उगेगा। पहला, उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कैसा है। दूसरा, उस मिट्टी में ह्यूमस कितना है। और तीसरा, उस मिट्टी का डेप्थ कितना है। नाउ, मिट्टी का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उसको टॉप सॉइल कहते हैं। ये टॉप सॉइल सॉइल पार्टिकल्स, ह्यूमस एंड माइक्रोस्कोपिक लाइफ का बना होता है। टॉप सॉइल का क्वालिटी डिसाइड करता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया का बायोडायवर्सिटी कैसा होगा। मतलब अगर टॉप सॉइल फर्टाइल होगा तो वहां का बायोडायवर्सिटी बहुत रिच होगा। वहां पे बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स पाया जाएगा, और बहुत तरह तरह का ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा। और अगर टॉप सॉइल फर्टाइल नहीं होगा, दैट मीन्स अनफर्टाइल होगा, तो वहां का बायोडायवर्सिटी बहुत पुअर होगा। इस टॉप सॉइल में हार्मफुल सब्सटेंस का ऐड होना सॉइल पॉल्यूशन कहलाता है,
और इस टॉप सॉइल का रिमूव होना एयर की वजह से एंड वाटर की वजह से सॉइल इरोशन कहलाता है। सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।